नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर राज्य की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि मैं राज्यपाल का सम्मान करती हूं। राज्यपाल का चेयर सम्मानजनक है, सभी का लिमिटेशन होता है। मैं भी शिक्षा विभाग के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती हूं। राज्यपाल को कोई गलत बात समझा रहा है। अभी 42 विश्वविद्यालय हो गया है, मैं चेयर को सम्मान करती हूं। हम वाइस प्रेसिडेंट के रूप में धनकर का सम्मान करते हैं। आचार्य वाला बिल या तो साइन करे या फिर वापस भेजे। राज्यपाल के हमरा सम्मान दी तार कारण जखन राज्यपाल के चांसलर रखा हुई छिलो तो তখন এই রাজ্যে মাত্র 10টা 12টা ইউনিভার্সিটি ছিল। চেয়ারটা হচ্ছে রেসপেক্টেড চেয়ার ফর চ্যান্সেলর, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট চালায় কিন্তু হায়ার এডুকেশন মিনিস্ট্রি। ইভেন আমিও কখনো ইন্টারফেয়ার করি না, বট এ কথা আমিও বলতে পারি না যে আমার কথা না শুনলে আমি অ্যাকশন নেব। আমরা যেন প্রত্যেকে মনে রাখি আমাদের প্রত্যেকের একটা লিমিটেশন আছে। রাজ্যপালের এখন 42টা ইউনিভার্সিটি হয়েছে 12টার জায়গায়, সেই প্রথা মেনে একই নিয়ম চলছে। এখন তো একই নিয়ম চলতে পারে না, এই নিয়মটা তো তৈরি হয়েছিল বিকজ তখন মাত্র হাতে কয়েকটা গোনা ছিল, আর এখন তো হিউজ ইউনিভার্সিটি হয়েছে। প্রত্যেকটা যদি উনি বলেন 7 দিনের মধ্যে নির্দেশ দিতে হবে, না দিলে আমি ব্যবস্থা নেব, তো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররা কাজকর্ম করবেন, পড়াশুনো করাবেন, পরীক্ষা নেবেন, ছাত্রছাত্রীদের দেখবেন, নাকি ওনার সাথে গিয়ে প্রতিদিন গিয়ে হিসেব দেবেন। হিসেব ওদের যদি দিতে হয় সেটা রাজ্য সরকারকে দিতে হয়, এবং রাজ্য সরকার এমন কিছু করে না যাতে আমার ইউনিভার্সিটির ভিসিরা কোনো রকমভাবে কোনো বিপদে পড়ে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यानी सोमवार को संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक के भाई बहनों से कहूंगी, डोंट वोट फॉर बीजेपी, दे आर डेंजरस। उन्होंने लोगों से विकास के लिए वोट देने की अपील की। माय ओनली अपील विल बी टू द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ कर्नाटका एंड माय गार्जियंस एंड लीडर्स एंड पेरेंट्स आल्सो, प्लीज वोट फॉर yourself, vote for stability, vote for development. My only one appeal, don't vote for BJP. They are dangerous, they are Pegasus. भर्ती की मांग कर रहे नौकरी उम्मीदवारों के करुणामयी के SSC दफ्तर घेराव के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और आंदोलनकारी नौकरी चाहने वालों में सरेआम भिड़ंत हो गई। आरोप है कि नौकरी उम्मीदवारों को SSC भवन में जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया था। उम्मीदवारों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। সরকারের কাছে মাননীয় আমাদের দিদি তার কাছে অনুরোধ করছি যে আমাদের নিয়োগটা দেওয়া হোক, যেগুলো অসহ্য তাদেরকে আপনারা বাদ দিন, আমরা যোগ্য, যারা যোগ্য হয়েছি নিয়োগ দিন, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोर्चा बन रहा है, लेकिन उससे पहले भीषण गर्मी से दक्षिण बंगाल के कई जिले झुलसने वाले हैं। लिस्ट में कोलकाता का नाम भी शामिल है। मौसम विभाग की ओर से लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में मंगलवार से लू का प्रकोप जारी रहेगा, जो गुरुवार तक चलेगा। मोगरा थाना अंतर्गत GT रोड पर नंदीपुकुर मोड़ से होसलाबाद मोड़ तक चार पहिया वाहन सहित सभी बड़ी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ज्ञात हो कि हावड़ा बर्धमान मेन लाइन शाखा पर बैंडल और आदि सप्तग्राम के बीच रेलवे फाटक के ऊपर से ओवर ब्रिज निर्माण कार्य शुरू हो गया है, इस कारण GT रोड को बंद कर दिया गया है। चंदननगर पुलिस मुख्यालय चुनचुरा पुलिस लाइन में बागनी का शुभारंभ किया गया। स्कूली छात्राओं के लिए आत्मरक्षा शिक्षण का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देश विदेश से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर
कभी आंच नहीं आने देंगी। इसी बयान पर भाजपा का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता अनिल बलूनी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की। मनोरंजन से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का एक क्यूट वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें पहली बार मालती की आवाज सुनने को मिली। वीडियो में प्रियंका मालती को पार्क में घुमा रही है। धर्म व संस्कृति से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी एक लौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। अन्य खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।